स्कूल प्राइवेट स्कूल से कहीं गुना आगे और ये अकाउंटेबल है जी। अगर खुदा न खासा कोई किसी टीचर किसी उस्ताद की रिजल्ट अच्छा नहीं आता है उसको उसकी डिपार्टमेंट उसको सजा देती है कि कार्यमा हायर सेकेंडरी एक डीसी साहब का प्रोजेक्ट था जिम्मेदारी प्रोजेक्ट जी जी। उसमें कुल डिस्ट्रिक्ट में 6 हायर सेकेंडरीज टॉप मिले उसमें मुझे खुशी है हमें भी एक थीमेटिक एरिया में हम फर्स्ट आ गए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इमोशनल लर्निंग एंड सोशल बॉन्डिंग हम डिस्ट्रिक्ट में हमने टॉप किया। और जो एक प्रॉब्लम है हमारे स्कूल में वो है लेबोरेटरी की। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस स्कूल पर तवज्जो नहीं देती है। यहाँ जो जब ये मिडिल स्कूल था ये अपग्रेड हुआ है पिछले 5-6 साल से अपग्रेड हुआ है स्कूल। मिडिल स्कूल जब ये था तब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था अभी भी वही है। मैंने 8 फरवरी 2023 को यहाँ ज्वाइन किया तकरीबन 1 महीना हुआ जो भी मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया क्योंकि स्कूल ज़्यादा पुराना भी नहीं है अब रिसेंटली 5-6 साल पहले अपग्रेड हुआ है या ये नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है कुछ हो सकती है लेकिन ऐसे भी हैं जो हम जिनको हम रिड्रेस भी कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पिछले 2-4 साल से प्रिंसिपल नहीं था मौजूद नहीं था उनको भी कुछ प्रॉब्लम है जो हम अब इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ पर स्टाफ बहुत टैलेंटेड है एक्सपीरियंस है और डेडिकेटेड भी है तालीम और तरबियत के सिलसिले में। यहाँ पर मेरे ख्याल में अगर हम टाउन के साथ भी मुकाबला करेंगे तो हमारे टीचर्स भी बेस्ट है काबिलियत के लिहाज से भी और एक्सपीरियंस के लिहाज से भी। तो यहाँ पर इस साल इंशाल्लाह यहाँ पर 1-2 कमरे थी जो अभी हाल ही में उनको रिनोवेशन डिपार्टमेंट को वो दे रहे हैं तो उसमें हम ICT लैब 1 में शुरू करने वाले हैं। तो और मेरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह हर एक बच्चा हर एक क्लास का बच्चा इस साल एक क्लास कंप्यूटर का लेंगे। ये इस साल पूरा चलेगा। आप मुझे बताइए कि यहाँ से कुछ कंप्लेंट्स मिल रही कि बच्चे जो हमारे हैं जो साइंस फील्ड में जो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें वो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। हालांकि कई बच्चे ऐसे हमने देखे जो स्कूल में पहले आए थे उन्होंने यहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ करके दूसरे स्कूल में लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? अगर अभी हायर सेकेंडरी को लगभग 5-6 साल से हायर सेकेंडरी हुई है सर तो अभी तक इस मसले को क्यों नहीं क्लियर किया गया? सर मैंने ये मसला उठाया सर हायर अपस के साथ उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के DC साहब के भी CO साहब के भी डायरेक्टर साहब के भी उन्होंने अच्छा। यहाँ पर एक बिल्डिंग बनने वाली है 8 कमरे वाली 8 हॉल यहाँ बनने वाले हैं 2 मंजिला 4 नीचे और 4 ऊपर उसमें 1 साल लग सकता है क्योंकि ना 1 साल के बाद यहाँ पर अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ पर लेबोरेटरी फिलहाल तो हम चलाते हैं लेकिन अच्छा अलग सा ब्लॉक नहीं है जी। ये मसला भी मैंने टेकअप किया है इंशाल्लाह हायर अप के मेरे साथी भी थे बादशाह भी मेरे साथ हैं तो उन्होंने क्योंकि जब कोई बंदा काम करना चाहता है तो रिस्पॉन्स मिलता है उन्होंने फिलहाल ये कहा कि हम किसी कैपेक्स बजट से हम 4-5 लाख रुपया अगर वो उनने दिया तो मसला हल हो जाएगा इसी साल। लेकिन सर इसमें ये देखना है कि 1 साल तक बच्चे जो है हम बॉटनी की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें वो प्रैक्टिकल कहाँ करें? अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस वक्त एक लेबोरेटरी है काम चला लेबोरेटरी है अलग अलग नहीं है जैसे फिजिक्स के लिए अलग होती है केमिस्ट्री के लिए अलग होती है बॉटनी जूलॉजी के लिए भी अलग और इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर सब्जेक्ट वो उसके लिए भी अलग होती है लेकिन अलग अलग हमारे पास नहीं है लेकिन जितना इनको चाहे वो अलग से हम इनको वो क्लास भी लेते हैं प्रैक्टिकल भी होता है अपने टाइम पर होता है लेकिन एक ही मसला है अकोमोडेशन अलग 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 लेबोरेटरी नहीं है। इसी सिलसिले में ये मसला भी मैंने टेकअप किया रहा था जिसका उन्होंने फिलहाल तो वो इसी साल वो मेरे ख्याल में कुछ दिनों की बात है कि वो अगर वो 4-5 लाख रुपए देने में कामयाब है उन्होंने हमसे हम ADC के पास भी गए थे उनके वो DDC उन्होंने कहा कि हम 4-5 लाख रुपए का बंदोबस्त करेंगे तो ये फिलहाल तो ये मसला फिर अगर उन्होंने दिया वो देंगे इंशाल्लाह। इन साइड से यहाँ फेंसिंग ठीक है एक साइड यहाँ पर राइट साइड में वहाँ पर फेंसिंग वहाँ 3 शीट्स लगे हैं वो पुराने हैं फटे पुराने हैं तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर इसका बंदोबस्त हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हो
कि मैं एज इंचार्ज यहाँ काम कर रहा था जी, मैं डीडीओ नहीं था जी, जितनी मुझसे हो सका, जितनी मेरी लिमिट्स थी जी, वहां तक मैं जा सकता था जी, उससे आगे मैं क्रॉस नहीं कर सकता था। तो बाकी रहा यहाँ की जो ये अकोमोडेशन प्रॉब्लम, अकोमोडेशन प्रॉब्लम है जी, लेकिन तो इस कम अकोमोडेशन में हम वो काम करते हैं जी, कि आप देख सकते हो कि। तो बाकी रहा आपने, आपका सवाल है कि क्यों नहीं हुआ जी, क्यों मेरे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक पेरेंट ये सब नहीं मानता है। तो सही बात, क्योंकि आप यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इंचार्ज है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह पे असगर साहब है, सही तो हमारी तौक तो आप तक ही होती है, सही बिल्कुल। तो इसलिए तो कम से कम इस चीज का, यानी कि कहीं ऐसे स्कूल है जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होते हैं, उनका यही मानना होता है की जनाब मेरी अथॉरिटी ये नहीं की मैं ये डिसाइड करूँ, लेकिन ये कब तक चलेगा और कब तक बच्चे सफर करते हैं? जो हायर अप तक जो कुछ डिमांड मुझे पदवी की तरह जाते, लेकिन पिछले हमें यहाँ पानी का कतरा नहीं हुआ था, इंशाल्लाह खुदा खुदा का शुक्र है जी, आप लोगों की मसादत से वो भी इशू हाईलाइट हो गया, हमें पानी मिल रहा है जी। इस वक्त हमें एक होनहार प्रिंसिपल मिले हैं जी, बहुत अच्छे डेडिकेटेड, जो सुबह 10:30 पहुंच जाते हैं तो, और 6 बजे से भी 5:30 से 6 बजे और हमें नहीं छोड़ते जी। अगर टीचर्स के एतबार से देखें तो टीचर्स यहाँ पर जो फैकल्टी हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, यहाँ हाई क्लास फैकल्टी हैं टीचर्स की। पर जो एक प्रॉब्लम है हमारे स्कूल में वो है लेबॉर्ट्री की, यहाँ पर है लेबॉर्ट्री एक ही कमरा है, मगर हम चाहते हैं कि उसके लिए हमें सेपरेट कमरे होने चाहिए, मतलब फिजिक्स के लिए अलग लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए अलग लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, जैसे बॉटनी जोलॉजी के लिए अलग लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। और ये यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है रोड की, ये जब बारिश होती है और इस रोड पे चलना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कीचड़ फायदा होती है और यहाँ पर फिसलन जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर रोड्स की जो है मैग्नमाइजेशन होनी चाहिए।